हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट टू लंच रेसिपीज, और इसके साथ एक वाटरमेलन जूस की भी इजीएस्ट रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं बॉयल आलू, और इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्चें पतली पतली काट के। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर मैंने डाल दिया ढेर सारा धनिया और नमक, नमक स्वाद अनुसार आपको जैसे ठीक लगे। और उसके बाद सारे मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, गरम मसाला। गरम मसाला मेरा थोड़ा सा दरदरा पीसा हुआ अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। तो बस इसी तरह मसाला मैंने रेडी कर दिया था, और यहाँ पे मैंने सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के रखा हुआ था। तो इसमें मैं बस स्टफिंग बीच में, जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा बेल के ही करती हूँ ताकि वो फटने के चांसेस फिर कम रह जाते हैं। अब मैं इसमें स्टफिंग भर के इसको इस तरीके से सील कर लूँगी, और जो ऊपर का जो आटा रहेगा उसे मैं निकाल दूँगी ताकि जो बीच में वैसे लगता है ना आटा वो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैं फिर इसे फैला लूँगी थोड़ा थोड़ा ताकि फटे ना। थोड़ा सा आप हाथ से बड़ा कर देते हैं ना तो पराठा बहुत इजीली आपका बेल के बड़ा हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने तवा गरम करके उस पर थोड़ा ऑयल डाल के पराठा डाल दिया था। और पराठे का सबसे मेन ट्रिक ये रहता है कि थोड़ा आप पराठे को ना पकने दे एक साइड से, उसके बाद आप उसको पलटे। अगर आप पहले ही पलट पलट करेंगे तो पराठा टूट जाता है। तो ये उन लोगों के लिए टिप है जो अभी नए नए पराठा बनाना सीख रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप स्लो पे ऑयल, बटर, घी, जो आप लोगों को पसंद हो उसमें आप लगा के, और इसे आप उलट पुलट करके क्रिस्प करके बस पराठा बना लिए। तो यहाँ मेरा पराठा रेडी हो गया, और मैंने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी, दही और पापड़ के साथ। हम लोग सिंधी लोग हैं तो हमारा पापड़ बिना गुजारा नहीं होता, इसीलिए हमारी हर चीज़ में पापड़ तो कंपल्सरी रहता है। तो आप किसके साथ आलू का पराठा इंजॉय करते हैं ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आलू के पराठे के बाद बारी आती है लंच की। तो यहाँ मैंने कुकर में ऑयल लेके डाल दिया है जीरा। जीरा जैसे स्प्लेटर होगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को क्रश करके रखा हुआ है। चॉपर में ही मैंने चॉप कर लिया था, तो बस वो डाल के इसको थोड़ा सौते करना है, रेड नहीं करना है हमें। और जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा, जैसे कच्चापन निकल जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए। चॉप इन द सेंस मैंने इसमें चॉपर में ही चला दिए थे, आप उसको चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। फिर इसे भूनने की बारी आती है। इसे तब तक भूनना है जब तक ये एकदम थोड़ा सा डार्किश ब्राउन नहीं, पिंकिश ब्राउन जितना हो जाए। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर, घर के सारे मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्ची जो रहता है वो, नमक, और इसे ऐसे ढक के रख देना है। और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है। फिर हम लोग इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया। हरा धनिया डालने से दाल का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, आप एक बार डाल के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें मसूर दाल, और मसूर दाल को मैंने एक घंटा भिगो दिया था। और बस फिर इसमें पानी कंसिस्टेंसी डाल के अच्छे से, कि इसमें पानी काफ़ी लगता है तो आप कंजूसी पानी में ना करें, और डाल के इसको 3 से 4 सीटी लगा दीजिए। तो आपकी दाल रेडी हो गई है, लेकिन अभी भी हम इसमें गरम मसाला और हरा धनिया खूब सारा डालेंगे, और आपकी दाल हो गई है रेडी। मीनवाइल मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ हरे प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने नॉर्मल प्याज को चॉप करके ग्रीन चिलीज़ के साथ, ऑयल देखिए बिल्कुल थोड़ा डालना है आपको, ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस इसको हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर हरा प्याज में जो ऊपर के डंठल रहते हैं उसे इस तरीके से काट के धो के आप इसमें डाल दीजिए प्याज के साथ ही, और इन दोनों को थोड़ा अच्छे से भून लीजिए। भूनना इन अ सेंस इनको बिल्कुल रेड नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, यहाँ मैंने पोटैटोज़ को क्यूब्स के शेप में काट लिया है। तो बस आप चाहें तो कोई भी आकार में पोटैटोज़ को काट के डाल सकते हैं, और पोटैटो को डाल के थोड़ा सा भूनना है। अगर आप चाहें
तो पहले भी जब हम लोग ऑनियन नहीं डाले थे उससे पहले भी आप पोटैटोज़ को थोड़ा फ्राई करके भी डाल सकते हैं तो वो और टेस्टी लगता है, लेकिन मुझे फ्राई आलू थोड़ा कम पसंद है इसीलिए मैंने इसे ऐसे बनाया है। फिर आलू डाल के थोड़ा भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक और हरे प्याज मैंने इस तरीके से काट के धो के रखे हुए थे, ये डाल के अब मैं इसे ढक्कन लगा के रख दूँगी अंटिल जब तक ये आलू एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा के रखा हुआ था और ये देखिए आलू भी अभी एकदम अच्छे से गल गया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालने फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिर्फ डेढ़ टमाटर डाला है, अगर बड़ा टमाटर हो तो एक ही डालिएगा। फिर मैंने डाल दिया इसमें किचन किंग मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा हल्दी भी जाएगा। तो बस अब आप इसको फिर से ढक्कन लगा के, मसालों को मिक्स मत कीजिएगा, सिर्फ ढक्कन लगा के ऐसे ही रख के फिर जैसे टमाटर गल जाएगा ना फिर आप इसको मिक्स करिए और आपके आलू प्याज की यम्मी रेसिपी रेडी हो गई। तो यहाँ बस अब तैयारी हो रही है चपाती बनाने की। साइड पे मैंने राइस भी डाल दिए, हम लोग प्लेन राइस सर्व करने वाले हैं इसीलिए मैंने उसको आपकी रेसिपी शेयर नहीं की। तो बस यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चपाती, और चपाती हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। कई बार कोई लोग पूरा तवे पे ही बनाते हैं, मैं दोनों बनाती हूँ, लेकिन आज मैं फुलकों के स्टाइल में बनाने वाली हूँ जो सॉफ्ट सॉफ्ट फुलके रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे गैस पे डाल दिया था और जैसे ही थोड़ा सा, आपका चपाती बहुत ज़्यादा नहीं सिकना चाहिए, जैसे थोड़ा सिकेगा आपको पलट देना है उसे, और फिर जैसे अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद आपको गैस के ऊपर उसे डाल के फुलाना है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि आपको ना बहुत पेशेंस से आपके फुलके बनते हैं। ये वाले फुलके अगर बनाएं तो पेशेंस ज़रूर रखें और गर्मा गर्म आपके फुलके। तो इन फुलकों पे आप घी ज़रूर लगाएं क्योंकि ये फुलके घी बिना अच्छे लगते हैं, ऐसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं ये फुलके, लेकिन बच्चे ना बहुत चाव से खाएंगे अगर आप इस तरीके से फुलकों पे घी लगा के देंगे तो। तो बस तैयारी हो रही है प्लेटिंग की। तो यहाँ मैंने सैलेड काट लिया था और यहाँ आ गई हमारी दाल गर्मा गर्म और चपाती, सैलेड, राइस, बासमती राइस बनाए मैंने, आप कोई भी राइस बना सकते हैं, प्लेन से है। राइस में मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा ऑयल और बस अच्छे से इन्हें पका लिया है। उसके बाद आ गई हमारी हरे प्याज की सब्ज़ी। कैसी लगी थाली आप लोगों को ज़रूर कमेंट करें। तो अब आ गई है गर्मियाँ और गर्मियाँ सीज़न होती है वाटरमेलन की, तो वाटरमेलन जूस कैसे ना बनाएं घर पे। तो सबसे इजी मेथड है, वाटरमेलन को अच्छे से काट लीजिए, उसे मिक्सर में ग्राइंड करिए, एक स्ट्रेनर लेके उसे अच्छे से छान लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा काला नमक भी ऐड किया था, अगर आपको चाहिए तो ऐड करें, अदरवाइज़ टोटली स्किप करें। और दूसरी ट्रिक ये कि अगर वाटरमेलन फीका हो तो शुगर ऐड करें, अदरवाइज़ शुगर बिल्कुल ऐड ना करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ों को नेचुरल तरीके से ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो बस यहाँ हमारा वाटरमेलन जूस रेडी हो गया है और मैंने इसको छोटे छोटे हार्ट्स के शेप में भी काट लिया था वाटरमेलन को, ताकि हम अच्छा प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आँखों को ज़रूर अट्रैक्ट करती है। तो बस यहाँ मैं ठंडा ठंडा आइस के साथ वाटरमेलन जूस को सर्व कर रही हूँ, आप भी अपने घर वालों के लिए बनाइए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, शेयर करें और अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें बना के खिलाएं और अपनी प्रेरणा को बहुत ज़्यादा प्यार करें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी।